भारत देश में जितने हैं, आपका बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी भारत देश में स्टूडेंट हैं, सब उन स्टूडेंट में एक बुरा आदत है। जानते हैं आप लोग कौन सा बुरा आदत है? नहीं मालूम? बोले मालूम होता तो सुधार ना लेते आज तक। वो बुरा आदत यही है, सर पूछेंगे इसलिए पढ़ना है, हमारा ज्ञान का वृद्धि हो इसलिए नहीं पढ़ना, सर पूछेंगे कल इसलिए पढ़ना है, कल एग्जाम है इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में फेल हो जाएंगे नहीं तो पढ़ो, हमें नौकरी पानी है इसलिए पढ़ना है, क्यों? खैर ये सब कुछ वैलिड भी है, नौकरी पाना इसलिए पढ़ना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अपना विकास करना है, अपने बौद्धिक मानसिक और शारीरिक विकास हो आपका, इसलिए नहीं पढ़ना है कभी। आपका बौद्धिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, इसलिए आप नहीं पढ़ते कभी, कोई नहीं पढ़ता इसलिए। आईएएस में रैंक हमारा पहला आए इसलिए हम पढ़ते हैं, पहले आईएएस बनने के बाद करप्ट हो जाए, रिश्वतखोरी पकड़े जाए, जो भी है डजंट मैटर, जिसका विकास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ते इसलिए हैं परीक्षा में पास हो जाए। परीक्षा में पास होने के बाद उस किताब का हालचाल पूछा आपने कभी? परीक्षा जब पास हो जाते हैं हम, एग्जाम खत्म हो जाता है, तब हम किताब का हालचाल नहीं पूछते, किताब को रख देते हैं कहीं टेबल पे, धूल खाता रहे, और आखिरी में जब कबाड़ी वाला आए तो किताब को 10 रुपए केजी के भाव से बेच देना है। क्यों? सरकारी जब किताब मिलता था मुफ्त में, यही करते थे हम, 10 रुपए के भाव में बेच देते थे, क्यों? खत्म हो गया ना जरूरत उसका, परीक्षा तो हम पास ही हो गए। परीक्षा पास करने के 2 महीने बाद हमें खुद को नहीं मालूम हम कैसे पास हो गए, क्यों? खुद को मालूम नहीं रहता ना। तो सबसे बुरा आदत है भारत देश के स्टूडेंट का, वो परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनका चारित्रिक विकास हो, उनका नैतिक विकास हो, बौद्धिक रूप से विकसित हो, फिजिकली मेंटली उनका ग्रोथ हो, इसके लिए वो नहीं पढ़ते। जिस दिन इसके लिए पढ़ना शुरू कर देंगे तब भारत देश जो है सच में विश्वगुरु बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, हम काहे पढ़ेंगे इसके लिए, हमें तो पास होना है, क्यों? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग पास होने के लिए ही पढ़ते हैं ना, तो बताइए आप लोग आज से पास होने के लिए ही सिर्फ पढ़ेंगे या फिर मानसिक बौद्धिक शारीरिक आपके चरित्र का विकास हो, नैतिकताओं का विकास हो, इसके लिए पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं विद्यार्थियों का मुख्य कर्तव्य चरित्र निर्माण ही होता है, चरित्र निर्माण करना ही विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन आज के विद्यार्थी चरित्र बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है कितना हद तक ये उचित है? आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? चरित्र निर्माण करना और एक योग्य नागरिक बनना देश के लिए, लेकिन आपसे ये होता है क्या? नहीं जी, हमसे ये नहीं होता। जब ये होता नहीं आपसे तो इतना ज्ञान प्राप्त करने का क्या फायदा? ज्ञान का महत्व इस्तेमाल से होता है। जब आप अपने ज्ञान का महत्व देश के उत्थान के लिए करें तब उस ज्ञान का महत्व होता है, नहीं तो क्रिमिनल भी आतंकवादी भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, बम बना के फोड़ देते हैं। तो आप लोग कुछ ध्यान लगाइए पढ़ने में ताकि देश का कुछ विकास हो सके, नहीं तो देश चल ही रहा है। हम विश्वगुरु कभी थे, अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, ऐसे ही परिस्थिति रहा तब तो बन गए जी हम विश्वगुरु, क्यों बन गए ना? तो आप लोग क्या चाहते हैं, भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपके कह देने से बनेगा? नहीं बनेगा ना। यदि आपके कह देने से विश्वगुरु नहीं बनेगा तब कैसे बनेगा विश्वगुरु? तो आप लोग करेंगे? कब से करेंगे? अच्छा अभी से करेंगे या कमरे के बाहर जाने के बाद आप भूल जाएंगे?
हम बड़े बड़े वादे करते हैं क्लास में, कम 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना है। जब भोर होता है तो हम मोबाइल का अलार्म को बंद करके फिर सो। वाह भाई वाह, कितना अच्छा। खुद के बर्बादी के जितने काम हैं, बाहर सड़क पे घूमना, एंजॉय करना, टिक टिक चलाना मोबाइल पे, टिकटॉक चलाना, इंस्टाग्राम रील बनाना, ये सब हम आज करते हैं। अभी बस पढ़ाई हमसे नहीं होता जी, हम कल पे टाल देते हैं। बड़ा अच्छा है ना,